नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दीपोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से वीआईपीस का जमावड़ा है, स्टेज तैयार किया जा चुका है, रामकथा पार्क पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, झांकी तैयार की जा रही है, साथ ही सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम हैं। इसके अलावा घाट, उस पर जो दिए बिछाए जा रहे हैं उसकी छटा देखने लायक है। और 7वीं तस्वीर, कलाकारों में किस तरह का उत्साह है। और 8वीं तस्वीर, जब पर्यटक हैं दूर दूर से वो पहुंच रहे हैं अयोध्या, पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो अयोध्या में ये 8 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की हलचल, किस तरह का उत्साह है वहां मौजूद लोगों में, वहां मौजूद कलाकारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या आगमन है। शाम 4:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे, साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का रामनगरी में जोरदार स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। शाम 4:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री करीब 2.5 घंटे अयोध्या में रुकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो पूरा कार्यक्रम है, राम कथा पार्क में उनका कार्यक्रम तय है। इसके अलावा रामलला का राज्यभिषेक भी वो करेंगे, साथ ही सरयू आरती शाम 6:25 पर, सूरज जब ढलता है तब सरयू की आरती होगी, और उसके बाद भव्य दीपोत्सव जो सबसे मुख्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उस दीपोत्सव के बाद एक बड़ा लेजर शो। अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी, ये वो नगरी है जहाँ पर कणकण में बसे हैं राम, और राम ही थे जिन्होंने लंका पर कूच करने से पहले भोलेनाथ को याद किया, भोलेनाथ की पूजा की, भोलेनाथ की अर्चना की, और उसके बाद जब वो अयोध्या वापस आए तो उन्होंने फिर से भोलेनाथ की स्तुति करी, भोलेनाथ का धन्यवाद दिया। आज हम नागेश्वर महादेव पे अयोध्या पर मौजूद हैं, जहाँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो तमाम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उन्हीं की भक्ति में यहाँ पर तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर नगाड़े और वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दर्शकों को और जो यहाँ पर लोग आए हैं भक्तगण, उन सभी को अपने में वशीभूत करना चाहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा इस बात को बता रहा है कि भोलेनाथ की भक्ति किस तरह से लोगों के अंदर विद्यमान है। मैं आप इंडिया न्यूज़ की ये मेगा कवरेज में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा अर्चना के लिए तमाम भक्तगण जुटे हुए हैं। लोगों को यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोगों का अंबार लगा हुआ है भोलेनाथ की भक्ति के लिए। आप देख सकते हैं कि किस, ये नागेश्वर महादेव का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है भोलेनाथ का। दूर दराज से लोग आकर तमाम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मान्यताओं के जरिए वो यहाँ पर नागेश्वर महादेव पर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम ने भी भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी, और उस स्तुति के बाद ही लंका पर कूच किया था। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि जब वो वापस अयोध्या नगरी आए तो अयोध्या नगरी आकर भी उन्होंने भोलेनाथ को ही याद किया। हमेशा से इस बात को कहा जाता है कि नागेश्वर महादेव में जो भी मनोकामना मानी जाती है वो पूरी होती है, और ख़ासकर दिवाली के मौके पर, और आज अयोध्या में दीपोत्सव के समय पर ये अलग ही छटा बिखेरता है, ये अलग ही अलौक दिखाता है। और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं, लोगों की भीड़ शुरू हो चुकी है, तमाम जो दूर दराज से लोग आए हैं वो यहाँ पर भोलेनाथ की स्तुति के लिए लगातार तत्पर हैं। कुल मिलाकर इस बात को कहेंगे कि भोलेनाथ की भक्ति के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि जो आराध्य हैं लोगों के भगवान श्री राम, वो खुद भी अपना भगवान अगर किसी को मानते थे तो वो थे भगवान भोलेनाथ। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनका कार्यक्रम तय है 5:40 पर रामकथा पार्क में भगवान श्री राम का वो राज्य अभिषेक करेंगे बड़ा कार्यक्रम, और 6:25 पर यानी कि सांझ ढलते ही मां सरयू की आरती करेंगे जो कि भव्य होती है। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरयू की आरती की जाएगी और 8 बजे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रंगारंग झांकियां बनाई गई हैं। ये झांकियां जिनमें अलग अलग प्रदेशों से आए हुए जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो शामिल हैं और भगवान श्री राम के जीवन की जो तमाम अनेक अनेक घटनाएं हैं उनको ये झांकियां दर्शाती हैं। दीपोत्सव का ये ऐतिहासिक पल है। अब की बार यहाँ जो है 17 लाख दिए जलाने की जो है वो चेष्टा प्रयास किया जा रहा है और अब सारे दिए सजाए जा चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। अभी जो है हर घाटों पे जो है तेल की ये जो है पीपे पहुंचाए जा चुके हैं। इस बार जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे आ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 से 4 दिनों से लगे हुए हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तेल भी आ चुके हैं, आज दिए जलाने का प्रोग्राम है। मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि आज सरयू घाट पर ये अयोध्या की कहे या प्रधानमंत्री जी की कहे, जिस तरीके से वो अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्या में सरयू घाट को दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, सरयू जी की आरती करेंगे, दीप उत्सव में बने रहेंगे। अयोध्या में अद्भुत नज़ारा आज होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँच रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं और लाखों दिए एक साथ जगमग होंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी एक दिया जलाएंगे सारे वॉलंटियर्स लग करके लगभग 17 लाख से अधिक दिए जलाएंगे। आज यह उत्तर प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, समस्त राम भक्तों के लिए बड़े सौभाग्य का दिवस है जब दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में, जो इस बार 6वां वर्ष है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने का फैसला किया, फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं अपनी ओर से भी, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर, अयोध्या की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रामलला का दर्शन करेंगे, अब उनको तिलक चंदन लगाया जाएगा और उनको राम नामी का वो जो उपहार दिया जाएगा, उसके बाद में वो दीप जलाएंगे, दीप जलाने के बाद में वो आरती करेंगे रामलला का, रामलला का आरती करेंगे, उसके बाद परिक्रमा करेंगे रामलला का। ये सारे काम जो है अंदर का है रामलला के दरबार से। रामलला का विशेष रूप से मंदिर सज गया है, अब भोग बन रहा है, भोग लगेगा बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम के स्वागत के लिए कलाकार भी काफी उत्साहित हैं। उनके स्वागत के लिए कलाकार अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुके हैं, रिहर्सल्स पूरे कर चुके हैं। तो भव्य स्वागत किस तरह से किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके लिए ये सभी कलाकार रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सच चुकी है रामनगरी और अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आगमन का। करीब 2.5 घंटे के आसपास का उनका कार्यक्रम है। 4:20 पर वो अयोध्या पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की, भव्य दीपोत्सव की, जहां पर तैयारी चल रही है। रामनगरी वही पुराने त्रेता युग वाला जो लुक है वो देने की कोशिश की गई है। अयोध्या की वही भव्यता लाने की वापस से कोशिश की गई है। हम लोगों की बृहद तैयारियां हैं, इसलिए कि आज योगी और मोदी जी इसके प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे कि ये 20 रिकॉर्ड बना है। देखिए इन बच्चों में कितना उत्साह है, टीचर्स में, वॉलंटियर्स में, सब लोग हमारे विश्वविद्यालय में ये जो है
इतना उत्साह है कि शाम को सारा रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। 17 लाख दिए हैं, कितने वॉलंटियर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं? 22,000 वॉलंटियर्स हमें 22,000 वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं सर। तो उत्साह है सर, पीएम मोदी पूरी तरह से मोदी और योगी मैं हो गया है अयोध्या। क्या त्रेता युग के जिस तरीके से राम आए थे वैसा ही फील आ रहा है? हाँ, सब फीलिंग आ रही है कि रामचंद्र जी आए थे तभी से दीपावली शुरू हुई थी, आज योगी जी मोदी जी आ रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। तो ये भव्य तस्वीरें आप अयोध्या की देख सकते हैं, किस तरह से जो वॉलंटियर्स हैं वो दीयों में तेल डाल करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। 3 दिन का ये दीपोत्सव, पहले दिए बिछाए गए, फिर दियों में तेल डाला जाएगा, उसके बाद बाती लगाई जाएगी और शाम को जब दीपोत्सव उसकी शुरुआत होगी तब ये दिए एक साथ जलाए जाएंगे। भव्य नजारा होगा, सही मायने में कहेंगे तो रामनगरी की एक अलौकिक छटा नजर आएगी जो पुराने त्रेता युग की होती है। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, वही अयोध्या की पुरानी पारंपरिक जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आएगी। तो अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। वॉलंटियर्स जिनमें ज्यादातर छात्र और छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं दियों में तेल डालने का काम ये सब कर रहे हैं। धूप ज्यादा है, खुले आसमान के नीचे जो तमाम दीपक हैं उनमें तेल भरा जा रहा है। तेल और बाती के बाद ये दियों की कतारें जो हैं वो पूरी तरीके से सच चुकी होंगी, तैयार हो चुकी होंगी और देख सकते हैं आप तमाम जो दिए हैं मिट्टी के, इन दियालियों में तेल डाला जा चुका है, उसके बाद बाती लगाई जाएगी। ये भी काम, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए आप कहेंगे सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास से ये तेल डालने का काम जो है ये शुरू किया जा चुका है, क्योंकि 15 से 17 लाख के आसपास ये दीपक हैं जिनमें तेल डालने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ऐसे में तेल और बाती डाल के जब दीपक तैयार हो जाएंगे तब शाम को दीपोत्सव का वो वक्त आएगा, सरयू आरती के बाद जब ये कार्यक्रम शुरू होगा और सरयू के करीब करीब 40 घाटों पर 17 लाख के आसपास दीप जगमग हो चुके होंगे और इन्हीं भव्य दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो नाम है वो दर्ज हो जाएगा। यूं तो पिछली बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था इन दीपों की पंक्तियों को एक साथ जगमग करके, लेकिन इस बार अपने उस खुद के ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें किस तरह सरयू घाट पर दीप के जरिए जो भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है उसकी एक छोटी आकृति बना दी गई है दीपों के जरिए, ऊपर ड्रोन शॉट से आप देख सकते हैं। ये कहेंगे कलाकारी का बेहतरीन नमूना है, भगवान रामलला के मंदिर का एक छोटा सा मॉडल दियालियों के जरिए तैयार किया गया है। ये जो पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कितना जो 22,000 वॉलंटियर्स हैं उनका मैनेजमेंट कितनी सही तरीके से किया गया होगा, उनके अंदर का जो कलाकार है किस तरह उन्होंने भक्तिमय होकर के इस मॉडल को तैयार किया है, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सरयू के घाट की ये तस्वीर है जिसका ऊपर आसमान से ड्रोन शॉट लिया गया है। भगवान रामलला के मंदिर का एक छोटा मॉडल, उनकी सीढ़ियां भी हैं मंदिर की, वो दर्शाया गया है दियालियों के जरिए। ये मंदिर, इसकी आकृति बनाई गई है और ये भी रात में जब जलेगा, जगमग रोशन होगा तो उस मंदिर की आकृति को हम सब देख पाएंगे। और दूसरी तस्वीर जहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, जो छात्र छात्रा के रूप में हैं, वो दियालियों में तेल भर रहे हैं, बाती लगाएंगे, यानी कि तैयारी हो रही है। दीपोत्सव के पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें पूरा मैनेजमेंट उसके अनुसार वॉलंटियर्स कौन कौन लोग होंगे, वो कब आ जाएंगे, उनका काम क्या होगा, हर एक को कितनी दियाली दी जाएगी, ये सब मैनेज करना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से महंत राजू दास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आज अयोध्या के लिए सही मायनों में कह सकते हैं जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों हैं, बेहद खुशी का दिन है। नहीं देखिए, ऐसा है, पहले तो इस दीप महोत्सव का ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। आज हनुमान जी महाराज के यहाँ बिल्कुल आपको और
और इसके साथ साथ आज का जो ये पल है ये अस्मरणीय पल है। अविश्वसनीय काम किया है माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, इस प्रकार से जब दीप उत्सव का जन्म ही अयोध्या में हुआ दीपावली का, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से सरकारी इवेंट नहीं होता था, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, जिनके मन में इतनी भाव जगी जिसका परिणाम स्वरूप है दीपावली हर व्यक्ति मनाता है, हर घर घर मनता है, लेकिन एक तरीके से उत्सव के तरीके से वो भी उत्सव सब लोग एक साथ एक मंच पे एक भाव से दीपावली किसी पार्टी का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी मुक्त का नहीं, किसी मतांतर का नहीं, ये तो 134 करोड़ देशवासियों की उत्सव है। तो हम लोगों में इतनी उत्कंठा है, इतना